बैक, ये बैक है। अभी ये पेपर को ओपन करेंगे तो हमारा ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट, और ये यहाँ पे अभी इसको हम ना सेपरेट कर देंगे, बैक पार्ट और अभी ये फ्रंट पार्ट बन जाएगा। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमको क्या करना है, पहले हम इसको सेपरेट करते हैं। देखिए ये मैंने ना ट्रेस कर लिया है जो यहाँ पे है, यहाँ से तो, और पीछे भी डार्ट आएगा आगे भी डार्ट आएगा, तो इसीलिए ये बैक और फ्रंट सेम ही होगा। अगर आपको आगे डार्ट नहीं लेना है पीछे डार्ट लेना है तो आगे 1 इंच जो हम एक्स्ट्रा रख रहे हैं वो मत रखिए, और अगर आप दोनों साइड डार्ट लेना नहीं चाहते हैं तो वो जो हमने वेस्ट राउंड का फोर्थ पार्ट किया और उसमें 1 इंच ऐड किया वो मत कीजिए। अगर आपको डार्ट ऐड करना है तो ही आप +1 इंच करिए, +1 इंच, और ये 1 इंच सीम अलाउंस वो अलग है। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट। अभी फ्रंट के लिए क्या करेंगे, जो फ्रंट के लिए हमारे ये फ्रंट आर्म होल है और ये फ्रंट नेक लाइन, तो अभी ये फ्रंट आर्म होल जो है उसके लिए भी हमको 1 सेंटीमीटर सीम अलाउंस चाहिए जो हम स्लीव ऐड करेंगे, और ये फ्रंट नेक, इसको भी हम कट कर लेंगे ये लाइन पे जो हमने सीम अलाउंस छोड़ा है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। ठीक है, ये फ्रंट और ये बैक, इसको आप अभी फैब्रिक पे जब कट करेंगे तो ये फ्रंट पार्ट को फैब्रिक को 2 लेयर में फोल्ड करके फ्रंट पार्ट को रख दीजिए, और यहाँ पे ट्रेस करके या फिर अपने टेलर चौक से मार्क करके आप फैब्रिक कट कर लीजिए। पर याद रहे ये फोल्ड होना चाहिए, इसको कट नहीं करना है, हम सिर्फ ये ही कट करेंगे, ये कट नहीं करना है। तो वो फिर ओपन होके पूरा फ्रंट बन जाएगा, और सेम एज बैक। सो ये बैक हो गया और ये फ्रंट, ये देखिए ये फ्रंट और बैक हो गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक शेप देंगे, आपको कितना ओपन रखना है उस हिसाब से आप शेप दीजिए, और ये देखिए ये एक ओपनिंग हो गया। तो यहाँ पे हम कट करें, जब फैब्रिक पे करेंगे तो ये छोटा सा कर्व आएगा और छोटा सा ओपनिंग आएगा। तो फिर मैंने जैसे बेल्ट लगाया है वैसे भी लगा सकते हैं। स्लीव का देखेंगे, स्लीव का पार्ट, स्लीव कैसे कट करते हैं। देखिए ये स्लीव है, स्लीव कैसे कट करना है, तो ये 1/4 है, तो आइए देखते हैं अब स्लीव कैसे कट करना है। तो आपका जितना स्लीव का लेंथ है वो आएगा ये स्लीव का लेंथ है, ये इसको भी हम फैब्रिक में फोल्ड करेंगे, ये लाइन पे फोल्ड आएगा, ये फोल्ड है, ये 1/2 जो है वो आपका स्लीव लेंथ है, कितना आपका लेंथ है, 1/3 जो है वो आपका बस्ट राउंड जो है चेस्ट राउंड उसका फोर्थ है, 1/3 चेस्ट राउंड का फोर्थ भाग है। 2/6 जो है वो है आपका स्लीव का जो बॉटम जो ओपनिंग होता है राउंड, स्लीव राउंड आपको कितना स्लीव राउंड चाहिए वो है 2/6। 3/5 जो है वो है 12th ऑफ योर बस्ट राउंड +2.5 सेंटीमीटर, और 3/4 जो है वो सेम एज 1/2 है। तो ऐसे हम फिर शेप दे देंगे, ये बैक का शेप है और जो अंदर वाला लाइन है वो फ्रंट का शेप। तो ये स्लीव हो गया हमारा। तो अभी हम अम्ब्रेला का घेर जो है वो करेंगे। मेरे पास ब्लैंक पेपर नहीं है तो मैं ये पेपर यूज़ कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए। ये हमने बॉडी का देखा कैसे कटिंग करते हैं, स्लीव कैसे कटिंग करते हैं, अब देखेंगे अम्ब्रेला जो घेर है फ्रॉक का वो कैसे कटिंग करते हैं।
पहले आप जो फैब्रिक कट करेंगे, तो पहले आप अम्ब्रेला घेर जो है वो कटिंग करेंगे, फिर जो बचेगा कपड़ा उसमें से आप बॉडी और स्लीव का पार्ट निकालेंगे। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि आप पहले बॉडी और स्लीव कटिंग कर लेते हो, और अम्ब्रेला के लिए फिर आपको बहुत जॉइंट लगाने होते हैं, कपड़ा कम हो जाता है। तो इसीलिए पहले आप अम्ब्रेला कटिंग करेंगे अपने कपड़े में से, और फिर फ्रॉक कटिंग सॉरी बॉडी और स्लीव कटिंग करेंगे। तो पहले कैसे फोल्ड करना है, तो इसमें हम 4 लेयर करेंगे। देखिए, 1 ऐसे एक फोल्ड किया और फिर ये ऐसे फोल्ड किया, तो ये हमारा 4 लेयर हो गया। देखिए, 1, 2, 3, 4, 4 लेयर हो गया। फिर ये हमारा फोल्ड आएगा, ये भी फोल्ड आएगा, और ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, ये फोल्ड है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके लिए हमको क्या चाहिए, तो हमारा जो हमारा वेस्ट हमारा फुल लेंथ है, उसमें से हमने वेस्ट लाइन तक हमने बॉडी का ड्राफ्ट किया है। अब वेस्ट लाइन के नीचे जो लेंथ है, हमको कितना लंबा चाहिए, कितना लेंथ चाहिए हमें, वो देखना है। तो मेरा लेंथ है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें हमको चाहिए वेस्ट लाइन से बॉटम, बॉटम मतलब आपको कहाँ तक चाहिए लेंथ, नी तक, नी के ऊपर, नी के नीचे, तो वहाँ का लेंथ लीजिए, और वेस्ट का राउंड। अभी वेस्ट का राउंड है उसका 4th कीजिए, 4th ऑफ वेस्ट राउंड तो उसका है। तो 4th ऑफ वेस्ट राउंड मेरा है, वेस्ट है 28 है, तो 28 का 4th जो है वो होगा 7। उसमें प्लस 1/2 इंच ऐड कीजिए सीम अलाउंस के लिए, तो 7.5 इंच हो जाएगा। अब आप मेजर टेप ऐसे रखिए कि ये जो लाइन है वो 7.5 इंच कवर करें, ये जो है वो 7.5 इंच कवर करें, मतलब ये लाइन आपका 7.5 इंच होना चाहिए। आप एडजस्ट करिए कि आपका 7.5 कहाँ पे आता है, मेजर टेप रख के आप एडजस्ट करिए। तो यहाँ पे आपका 7.5, यहाँ से यहाँ तक 7.5 आना चाहिए, तो ये आपका 7.5 आ गया। फिर यहाँ से आपको लेंथ लेना है, आपका लेंथ कितना है वेस्ट लाइन से नी तक, मेरा नी लेंथ है, तो वेस्ट लाइन से आपका कितना है उतना ये लेंथ आएगा, ये लेंथ, ठीक है, ये लेंथ हो गया, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ, तो ये लेंथ है उतना, यहाँ पे जितना लेंथ होगा उतना ही हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो ये जितना लेंथ है, फिर ये लाइन पे हम मेजरमेंट करके हर बार सेम लेंथ को मेजर करेंगे। फिर से बताती हूँ, 4th ऑफ योर वेस्ट राउंड, आपका जो वेस्ट का राउंड है, वेस्ट है आपका वो, उसका जो हम सर्कल करते हैं वो राउंड बोलते हैं, तो उसका वेस्ट राउंड जो है उसका 4th करिए, मतलब 28 वेस्ट है तो उसका 4th आएगा 7, प्लस 1/2 इंच एक्स्ट्रा फॉर सीम अलाउंस, तो मेरा होगा 7.5 इंच। तो ये 7.5 इंच है, आप मेजर टेप रखिए यहाँ पे और देखिए कहाँ पे आपका 7.5 इंच कंप्लीट हो रहा है। आपके मेजरमेंट के हिसाब से आप लाइन ड्रॉ कीजिए, और फिर आपका जो लेंथ है वो देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ, ये और ये सेम होना चाहिए, ये दो सेम
मेजरमेंट होगा, और फिर यहाँ मेजर टेप रख के आप हर बार ये यहाँ पे मार्क करते जाइए लेंथ, तो ये एक सर्कल बन जाएगा। ये सर्कल बन गया हमारा। ये हमारा हो गया अम्ब्रेला। ये मैं आपको सिंपल वे दिखा रही हूँ, पर इसका एक फॉर्मूला है। अम्ब्रेला घेरा कैसे कट करना है, आपको बहुत कुछ कैलकुलेट करके वो मेजरमेंट निकालना है और फिर आपको अम्ब्रेला घेर कट करना है। पर मैं आपको सिंपल दिखा रही हूँ, क्योंकि वो फॉर्मूला कई बार होता है कि हम भूल जाते हैं, तो इसीलिए मैंने ये याद रखा है। तो अब ये आप भी ये याद रखिए। तो अभी हाँ, अभी इसमें नीचे हम सीम अलाउंस छोड़ेंगे। आपको हेमिंग करना है या पीको करना है, जो हिस है इस हिसाब से आप सीम अलाउंस छोड़िए। अगर हेमिंग करना है तो 1 इंच छोड़िए, और पीको करना है तो 1/2 इंच छोड़िए। तो उस हिसाब से हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे भी हमको सीम अलाउंस छोड़ना है। और यहाँ पे भी हम सीम अलाउंस छोड़ेंगे, ये देखिए, क्योंकि वो सिलाई में जाएगा। ये आपका हो गया घेरा, ठीक है, ये घेरा रेडी हो गया। ये है आपका अम्ब्रेला घेरा। और अब ये जो है, यहाँ पे हमारा बॉडी का पार्ट अटैच होगा, ये देखिए ऐसे, तो वो घेरा बन जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको पता चला होगा कैसे कटिंग करते हैं। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो या कुछ आपको लगता है कि नहीं पता चला, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए मेरे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए। अभी इसके बाद मैं फैब्रिक कटिंग कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं आपको स्टिचिंग दिखाती हूँ, स्टिचिंग कैसे करते हैं। तो ये है फ्रंट, ये बैक, ये हमारा नीचे का घेरा, और स्लीव मैंने आपको दिखाया है कि कैसे करना है। तो चलिए अब स्टिचिंग करते हैं। फैब्रिक, इसको आप फैब्रिक पे कट कर लीजिए और फिर स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं।